तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। देखिए ये जो आना सागर के आसपास और पीछे की तरफ जो कोटड़ा क्षेत्र है वहाँ पर जो ये बांडी नदी जाती है उसमें अभी जलकुंभी बहुत तेजी से उग रही है। जलकुंभी इतनी तेजी से उग रही है कि पूरा जो बांडी नदी है उसको उसने जलकुंभी ने कवर कर लिया है। कवर करने की वजह से कई जीव जंतु और मछलियाँ आए दिन मर रही हैं और ये तेजी से इतनी विकसित हो रही है कि आना सागर क्षेत्र के अंदर भी आना सागर का जो झील है उस झील के अंदर भी प्रवेश कर रही है। प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस जलकुंभी को नष्ट करना चाहिए, इसे निकालना चाहिए, जिससे जो जीव जंतु हैं, जो मछलियां हैं, जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी परेशानी ना हो, वो मृत ना हो, साथ ही जो झील है उसका सौंदर्य बना रहे। इसी के लिए आज हम ये बात रख रहे हैं कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द जलकुंभी को नष्ट करना चाहिए। ईश्वर राजौरिया, उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस अजमेर। ये आज मैं इधर पुष्कर रोड की तरफ आया तो देखा बाड़ी नदी के अंदर ये जो जलमुखी है इतनी भयंकर रूप से फैल रही है और एक तरह तो हम यहाँ अजमेर को सिटी के रूप में मान रहे हैं कि भाई एक तरह से बेहतरीन सिटी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे ये जो जलमुखी अगर हमारे अन्ना सागर तक पहुँच गई तो ये पूरे अन्ना सागर को अपने लिप्त में ले लेगी और यहाँ पर इतने विभिन्न प्रकार के प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं उनको उनकी भी जान को आफत आएगी। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इस पर तुरंत कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज ये हमारे जो अजमेर सिटी है इसको दूषित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है किस तरह का नज़ारा दिखने में आएगा? बिल्कुल, ये अगर ऐसा देखेंगे तो आप बिल्कुल ये पूरा ऐसे पूरा कवर कर देगी। आज जो हमारी अन्ना सागर की जो एक छटा है, एक जो यहाँ पर एक खुशहाली नुमा माहौल रहता है और इतना गंदा माहौल हो जाएगा कि यहाँ पर मतलब बदबू आएगी अगर इस तरह हो गया तो। नाम? मैं ओम प्रकाश, अजमेर से ही। शाम वाली जगह तो मुझे खड़ा कर रहे हो तुम ले।